अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अबाउट योर प्रीवियस मैथ्स असाइनमेंट। सो ओपन योर बुक्स पेज नंबर 85। राइट टू फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन। पहली बात कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है कि हम अपनी जो फ्रैक्शन हमें गिवन होती है उसे उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए सो ऑन आगे बढ़ें बाई यूजिंग मल्टीप्लीकेशन। जरा अब यहाँ पर एक हमारे लिए डन किया गया 1/2। अगर हम इसके नेक्स्ट फ्रैक्शन को देखें, यह है 2/4। अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने अपनी फ्रैक्शन को ऊपर और नीचे दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लीकेशन किया है। 1 × 2 = 2 एंड 2 × 2 = 4। सेम एज 3/6। हम अपनी फ्रैक्शन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाएँ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को तो 3/6। 1 × 3 = 3 एंड 3 × 2 = 6। अगर एक और हम अगर ब्लॉक खुद ड्रॉ करें और 4 से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × 4 = 4 एंड 4 × 2 = 8। इसे कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसमें हम इक्वली न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का साथ लेकर एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ें। इस बात का आपने खास ध्यान रखें कि जिस डिजिट से आप न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से आपने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। 7/9। 7/9 1 टाइम पहले करते हैं। 1 × 7 = 7, 1 × 9 = 9। ये हुआ है 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 एंड 2 × 9 = 18। दोनों को हमने 2 टाइम से कर लिया। अब 3 टाइम से करते हैं। 3 × 7 = 21 एंड 3 × 9 = 27। सेम एज 2/3। 2/3 1 × 2/3, 2 × 3 = 2 से करेंगे हम अगर तो 4/6, 3 से करें तो 3 × 2 = 6 एंड 3 × 2 = 9। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिसिंग पार्ट ऑफ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हमने 2 से किया दोनों को, इधर हमने 3 से किया दोनों को। अब हमने अगर मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस वाले मेथड को अपने माइंड में रखना होगा। मिसिंग पार्ट किसने है, हमारे पास 5/7 गिवन है = 20/, ये हमने खुद फाइंड करना है। अब आप अपने माइंड में लाएं कि 5 की टेबल में 20 कहाँ लाया करता है, किस नंबर पर लाया करता है। यस, 4 × 5 = 20। अगर हमारा न्यूमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई होता है, मीन कि हमें अपने डिनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। 4 × 7 = 28। इसी तरह हम अपने मिसिंग नंबर्स फाइंड करेंगे ऊपर वाली दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करके, जिस तरह यहाँ पर 5 और 20 है। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 4 × 5 = 20, तो हम 3 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3 × 4 = 12। इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 11 और 22 है, ऊपर हमारे पास 9 है। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 22 आएगा। यस, 2 × 11 = 22। सो इट्स मीन अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 2 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 × 2 = 18। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 14 में 2/9 = –18। अब हमारा मिसिंग नंबर हम कैसे फिल करेंगे, पहले हम देखेंगे 9 के टेबल को कहाँ लाई करता है। 2 × 9 = 18। अगर डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 = 4। होप सो स्टूडेंट्स, आपको फ्रैक्शन इक्विवेलेंट और मिसिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड करना आगे होगा। अब मूव करते हैं पेज नंबर 88 पर। पेज नंबर 88, एडिशन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। कलर ईच फिगर अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन बिलो इट। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। इस बात को अपने अपने माइंड में रखना है कि लाइक फ्रैक्शन कौन सी होती है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें कहा गया है कलर ईच फिगर अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन गिवन बिलो इट। 6, 12th, मैंने इसकी लैंग्वेज आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाई थी। 6, 12th, 4, 12th। अब ऊपर 6 हमारा जो न्यूमिनेटर है वो 6 है, तो इट्स मीन कि हमें इसमें से कितने पार्ट शेडेड करने हैं, 6 पार्ट शेडेड करने हैं। 6 ऐसे यहाँ पे 4 12th है, तो इधर से हम 4 पार्ट शेडेड करेंगे। 6 12th + 4 12th = 6 and 4 = 10। इस ब्लॉक में हम लिखेंगे 10।
और सेम एज इन ब्लॉक्स में से हम 10 ब्लॉक्स को शेडेड कर देंगे। हमने इन्हें प्रॉपरली फिल करना है। ये देखिए काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक्स को मैंने फिल कर दिए और यहाँ पे दो ब्लॉक्स रिमेन लगने, इट मीन 10, 12। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी हमें क्या, हमें तीन फ्रैक्शंस गिवन है, 4, 12, 2, 12, 3, 12। मैंने उस दिन में कहा था कि जब हमें शेप्स में क्वेश्चन गिवन होगा तो मैं इसे पार्ट्स में भी पढ़ेंगी, लाइक 4 पार्ट्स आउट ऑफ 12, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 12, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 12। तो 4 पार्ट आउट ऑफ 12, इसमें हम 4 पार्ट्स को शेडेड कर लेंगे, इसमें से हम 2 पार्ट्स को शेडेड करेंगे और इसमें से 3 पार्ट्स। 4 and 2 makes 6, 6 and 3 makes 9। इट मीन्स अब हमें इनमें से 9 ब्लॉक्स को, 9 पार्ट्स आउट ऑफ 12 मीन्स कि इसमें से हमें 9 ब्लॉक्स को शेडेड करना होगा। बाकी जो 3 है वो हमने रिमेनिंग छोड़ दिए बिकॉज हमने 9 पार्ट्स शेडेड करने। होप सो स्टूडेंट्स आपको लाइक फ्रैक्शन को शेडेड करना, फ्रैक्शन की रीडिंग और उनको ऐड करना समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।